चंडीगढ़ के प्रशासक एवं हरियाणा तथा पंजाब के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नायक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विजय सांपला जी, चंडीगढ़ के सांसद बहन किरण खेर जी, श्रीमान अजीत सरन जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, श्रीमान प्रणव पंड्या जी, सिस्टर शिवानी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए योग का समर्थन करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय देश के हर कोने में इस योग के कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं और विश्व के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अनुरोध पर गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ। 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकट नाते का ये पर्व होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गया। पूरे विश्व का समर्थन मिला, विकसित देश हो विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, मैं सबका उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो, विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो, शायद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है एक साल के भीतर भीतर। अंतर्राष्ट्रीय अनेक कार्यक्रम होते हैं, यूएन के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड एज डे होता है, अनेक और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेक विध दिवस यूएन के द्वारा मनाए जाते हैं। लेकिन यही है जिसका सीधा संबंध हेल्थ के तो साथ है, शारीरिक मानसिक सामाजिक तंदुरुस्ती के साथ संबंध है, वो योग आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का आंदोलन बना है और मैं समझता हूं
कि ये हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, इस विरासत की ताकत क्या है, इस विरासत की पहचान क्या है, इसका परिचय करवाते हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं, योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिष्ठान बन जाता है। कभी कभी लोग इसको समझने में उनकी क्षमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी कभी लोगों को लगता है योगा से क्या मिलेगा, ये पूरा विज्ञान लेने पाने के लिए है ही नहीं। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है, और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है, और इसलिए योग के संबंध में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सिंक्रोनाइज वे में काम करें, इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है। हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले, हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो, थके हुए हो या ऊर्जावान हो, हमारा शरीर कुछ भी हो सकता है, ढीला ढाला ऐसे ही चलो छोड़ो यार कहां जाएंगे वहां बैठो, लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता है। वो तो चारों तरफ चक्कर मारता है, यहां बैठे हो और आपके अमृतसर याद आ जाए तो वहां चले जाएंगे, आनंदपुर साहब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, मुंबई याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, कोई दोस्त याद आया तो उसके पास मन चला जाएगा। मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है। ये योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थिर कैसे करना और शरीर को गतिवान कैसे बनाना, यानी हमारी मूलभूत प्रकृति में परिवर्तन लाने का काम योग के द्वारा होता है, जिससे मन की स्थिरता की ट्रेनिंग हो और शरीर को गतिशीलता की ट्रेनिंग मिले। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीवन में ईश्वर दत्त जो ये हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्यम बन सकता है। और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से
हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक हाथ फहराने के लिए कहीं जगह मिल जाए वो अपना योग कर सकता है और अपने तन मन को तंदुरुस्त रख सकता है। भारत जैसे गरीब देश, दुनिया के गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका हेल्थ का बजट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भर दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है और सही काम में उपयोग भी लाया जा सकता है। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने उपाय हैं उसमें योग एक सरल, सस्ता और हर किसी को उपलब्ध ऐसा मार्ग है। और इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है। बहुत लोग होंगे, अगर आज जल्दी उठ गए होंगे तो हो सकता है टीवी पर देखते हो, या दिन भर में उनको टीवी पर यह कार्यक्रम देखने का अवसर मिले। मैं विश्व भर के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप खुद के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इंतजार मत कीजिए, इस जीवन में योग को जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, उसको सरलता की ओर ले जाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग योग के संबंध में जब चर्चा करते हैं तब ब्राजील में एक धर्म मित्र योगी हो गए, उनका दावा था कि योग के 1008 आसन होते हैं, 1008, और उन्होंने प्रयत्न करके 908 आसनों की तो फोटोग्राफी की थी, उस क्रियाओं की। ब्राजील में जन्मे थे, योग को समर्पित थे। दुनिया के हर भूभाग में आज योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। और जब योग का आकर्षण हो, योग की प्रतिष्ठा हो, तब जिस महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें यह विज्ञान दिया है, हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही स्वरूप में हम विश्व तक पहुंचाएं, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, भारत से उत्तम योग टीचर तैयार हो। अभी भारत सरकार ने गुणवत्ता के लिए जो काउंसिल होती है, क्वालिटी काउंसिल, उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो, योग के ट्रेनर कैसे हो, उसकी कुछ नॉर्म्स तय करने की दिशा में काम किया है। भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर के पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे, और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। नए नए संसाधनों की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े शहरों में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो प्रेग्नेंट वेमेन को प्रेग्नेंसी के दरमियान योगा के लिए आग्रह करते हैं, योगा ट्रेनर के पास भेजते हैं ताकि प्रसूति काल में उसको सबसे ज्यादा मदद रूप होता है योगिक क्रियाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बीता है, जैसी आवश्यकता होती है,
संशोधन करते हुए उसमें बदलाव लाने के लिए ये आवश्यक होता है। हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, खुद के साथ अपने को न जोड़ पाते हैं, न हम खुद के साथ जी पाते हैं, हम अपने आप से कट ऑफ हो चुके हैं। योग और किसी से जोड़े या न जोड़े, अपने आप से जोड़े हैं, और इसलिए योग हमारे लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। शारीरिक स्वस्थता देता है, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए मार्ग बना सकता है और समाज के साथ संतुलित व्यवहार करने की हमें शिक्षा देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा इस योग को विवादों में डाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए और इहलोक की सेवा के लिए, परलोक की सेवा के लिए नहीं, परलोक के लिए, संप्रदाय है, धर्म है, परंपरा है, गुरु महाराज है, बहुत कुछ है, योग इहलोक के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए है। और इसलिए हम अपने आप को योग से जोड़े। सब लोग अपने आप को योग को समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जुड़ने के लिए योग से जुड़ना एक उत्तम मार्ग है। मुझे विश्वास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में, दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। एक बहुत बड़ा कारोबार के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। जब योग, आज हम हर प्रकार से योग करते हैं, मैं योग से जुड़े हुए सभी महानुभावों से आज मैं इस सार्वजनिक मंच से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्या अगले साल जब हम योगा दिवस मनाएंगे, ये जो एक वर्ष है, एक वर्ष दरमियान हम योग के लिए जो भी करते हैं करें, लेकिन एक विषय पर हम फोकस कर सकते हैं क्या? और वो मेरा विषय है मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज और योग, सभी योग की दुनिया के लोग, जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास हैं, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी, लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है, योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में, अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहीं पर किसी बीमारी को भी एड्रेस करें हम, और एक वर्ष के लिए एक बीमारी पकड़ करके आंदोलन चलाएं। दूसरा, योग ये बीमारी से मुक्ति का ही मार्ग नहीं है, योग ये वेलनेस की गारंटी है। ये सिर्फ फिटनेस की नहीं, ये वेलनेस की गारंटी है। और इसलिए हमने वेलनेस पर भी, अगर जीवन को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और ले जाना है, ये उसका उत्तम मार्ग है। आज जब
अंतर्राष्ट्रीय योगा का दूसरा वर्ष है। भारत ने विश्व को अनमोल विरासत दी है, विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार किया है। ऐसे समय भारत सरकार की तरफ से मैं आज दो अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो अवार्ड के लिए चयन होगा, उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए अवार्ड, दूसरा भारत में हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, एक राष्ट्रीय योग अवार्ड। व्यक्ति संस्था हर कोई इसमें जुड़ सकते हैं, उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो उसके नियम बनाएगी, उसके तौर तरीके बनाएगी, जूरी तय करेगी, लेकिन विश्व भर में जिस प्रकार से अनेक अनेक ग्लोबल अवार्ड की वाहवाही होती है, याद होती है, उसका महत्व माना जाता है। हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको सम्मानित करे, हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर रहे उनको सम्मानित करे, और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्ट तक भी हम ले जा सकते हैं, तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार पूरे विश्व का भारत की इस महान विरासत को सम्मानित करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, भारत की इस महान परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय से विश्व का आभार व्यक्त करता हूं, मैं यूएन का आभार व्यक्त करता हूं, मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, मैं योग गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं योग के साथ समर्पित सभी पीढ़ी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है और आज भी पूर्ण समर्पण भाव से योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जीरो बजट वाला है हेल्थ इंश्योरेंस, इसको हम एक नई ताकत दें, नई ऊर्जा दें, नई प्रेरणा दें। मैं सभी योग से जुड़े हुए आज इस चंडीगढ़ की धरती पर, मैं अभी बादल साहब को पूछ रहा था कि इस परिसर का इसका इतना उत्तम उपयोग इसके पहले कभी हुआ है क्या? मैं यहां बहुत पहले आया करता था, मैं चंडीगढ़ में रहता था, करीब 5 साल में यहां रहा हूं, तो मैं भली भांति इन चीजों का परिचित था। तो जब चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम बनाने की बात आई, मैंने कहा था कि इससे जगह अच्छा उत्तम कोई परिसर नहीं हो सकता है, और आज इस परिसर का उत्तम उपयोग देख करके मन को बहुत ही आनंद हो रहा है कि हजारों की तादाद में योग को के साथ जुड़े लोगों को देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है और विश्व पूरा जुड़ रहा है, ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं फिर एक बार इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।